क्लास इस वीडियो के अंदर हम आपका पढ़ेंगे आयरन के मेल्टिंग की प्रोसेस को, यानी कि जब आपका आयरन मेल्ट होता है, पिघलता है, तो क्या क्या चेंजेस आयरन के अंदर आते हैं, ये हम आपका इस वीडियो के अंदर आपका पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपका एक कंटेनर कंसीडर कर रही हूँ। तो ये मेरा आपका एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर मैंने एक आयरन का टुकड़ा यहाँ पर रख दिया है। अब इस आयरन के टुकड़े का जो टेम्परेचर है वो हमने देखा वो है आपका 30 डिग्री सेल्सियस। तो इस आयरन के टुकड़े का आपका टेम्परेचर क्या है, 30 डिग्री सेल्सियस है। अब मैं क्या करूंगी, इस कंटेनर का जो ये नीचे वाला बॉटम है इसको मैं आग की हेल्प से, यानी कि फायर की हेल्प से मैं क्या करूंगी आपका, हीट करूंगी। तो जब मैं इस कंटेनर के बॉटम को आग की हेल्प से, यानी कि फायर की हेल्प से जब मैं हीट करूंगी तो इसका बॉटम क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। और इस कंटेनर के बॉटम पर जो ये टुकड़ा आपका रखा हुआ है आयरन का, वो भी आपका क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा आपका, है ना। जिसकी वजह से इस आयरन के टुकड़े का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, तो हमने देखा जब हम इस कंटेनर को बॉटम से हीट करते हैं तो वो अल्टीमेटली इस आयरन के टेम्परेचर को क्या कर देता है, गर्म कर देता है और उसके टेम्परेचर को आपका बढ़ा देता है। ठीक है, तो यानी कि जो आयरन जिसका टेम्परेचर आपका 30 डिग्री सेल्सियस था, जब आपने इसे बॉटम से हीट किया आपने, यानी कि जब आपने इसे बॉटम से हीट प्रोवाइड की, तो ये आयरन का टुकड़ा क्या हो गया, गर्म हो गया। और गर्म होने की वजह से उसका टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया। तो पहले वो टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस था, अब आयरन का टेम्परेचर बढ़ के क्या हो गया, 500 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब अगर मैं हीटिंग अभी भी कंटिन्यू रख रही हूँ, यानी कि मैं आग से उसे हीट करती ही जा रही हूँ, किसे, इस कंटेनर के बॉटम को, जिसकी वजह से आयरन और ज्यादा आपका क्या होता जा रहा है, गर्म होता जा रहा है। तो जैसे जैसे आयरन और ज्यादा गर्म होता जाएगा वैसे वैसे उसका टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा आपका। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं आपका बॉटम से हीट आपका प्रोवाइड कर रही हूँ इस आयरन को, वैसे वैसे आपका आयरन गर्म होता जा रहा है और उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। पहले वो 30 डिग्री सेल्सियस था, फिर वो आपका बढ़ के 500 डिग्री सेल्सियस हो गया, फिर वो आपका 1000 डिग्री सेल्सियस हो गया, अब आपका वो बढ़ करके क्या हो गया आपका, आपका 1535 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब इस स्टेज पर जब मैं और ज्यादा हीट करूंगी आपका आयरन को, तो मैं देखूंगी कि क्या, मैं ये देखूंगी कि आयरन के टेम्परेचर में तो इंक्रीमेंट हो ही नहीं रहा, यानी कि जैसे ही आयरन का टेम्परेचर आपका बढ़ करके 1535 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, यहां पर आने के बाद चाहे मैं आपका अब आयरन के टुकड़े को नीचे से हीट करी जा रही हूं, लेकिन आयरन के टेम्परेचर में कोई चेंज नजर नहीं आ रहा, वो आपका 1535 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो गया, फिक्स हो गया, यानी कि कांस्टेंट हो गया आपका। ठीक है, अब आयरन का टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा। अब क्वेश्चन ये आता है, हीट तो हम सप्लाई कर रहे हैं, है ना, हम तो हीट प्रोवाइड कर रहे हैं इस आयरन के टुकड़े को नीचे से, है ना। तो क्वेश्चन ये है, जब उसके टेम्परेचर में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है तो वो हीट जा कहां रही है, अगर वो हीट आपके आयरन के टुकड़े के टेम्परेचर को नहीं बढ़ा रही है तो वो हीट जा कहां रही है, तो वो हीट यूटिलाइज हो रही है आयरन को सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब जो हीट मैं आपकी आयरन को 1535 डिग्री सेल्सियस पर सप्लाई करूंगी, वो सारी की सारी हीट आपकी कहां यूटिलाइज हो जाएगी, वो सारी की सारी हीट आपकी आयरन को सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने में क्या होगी, यूटिलाइज हो जाएगी। तो इस वजह से वो आपका आयरन के टेम्परेचर को 1535 डिग्री सेल्सियस से और ज्यादा नहीं बढ़ा पाएगी, क्योंकि आप जान सकते हो कि जब हम किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को हीट करते हैं तो उसके हीट करने का क्या इफेक्ट नजर आता है, या तो उस सॉलिड सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जैसे कि हमने अभी आपका देखा जब आयरन का टेम्परेचर आपका 30 डिग्री सेल्सियस था और जब हम आयरन को नीचे से हीट कर रहे थे तो आयरन का टेम्परेचर धीरे धीरे लगातार आपका क्या हो रहा था, बढ़ता जा रहा था, है ना। तो उस हीट का क्या इफेक्ट आपका नजर आ रहा था, उस हीट का ये इफेक्ट नजर आ रहा था कि आयरन का टेम्परेचर लगातार क्या हो रहा था, बढ़ता जा रहा था। लेकिन हमारे लिए हैरानी वाली बात कब कब आती है,
वो आपकी तब आती है जब आयरन का टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते 1535 डिग्री सेल्सियस पर आपका पहुंच जाता है। क्योंकि यहां पहुंच के अब आप जब हीट करोगे आयरन को और ज्यादा, तो उस आयरन के टेम्परेचर में इंक्रीमेंट आपका नहीं होगा। फिर यही क्वेश्चन आता है कि अगर हम आपका हीट कर रहे हैं आयरन को जो कि आपका 1535 डिग्री सेल्सियस पे है और आयरन के टेम्परेचर में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, तो वो हीट आपकी किस चीज में यूटिलाइज हो रही है? अगर वो हीट आयरन के टेम्परेचर को बढ़ाने में यूटिलाइज नहीं हो रही है, तो वो हीट आपकी अब किस चीज में यूटिलाइज हो रही है? तो वो हीट आपकी यूटिलाइज हो रही है आयरन को सॉलिड स्टेट से मेल्ट करके लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने में आपकी क्या हो रही है? यूटिलाइज हो रही है आपकी। तो यानी कि जो भी हीट आप आयरन को 1535 डिग्री सेल्सियस पर सप्लाई करोगे, वो सारी की सारी हीट आपकी आयरन को उसकी सॉलिड स्टेट से आपकी लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने में क्या होगी? यूटिलाइज हो जाएगी। अब क्योंकि आयरन के इस टेम्परेचर पर यानी कि 1535 डिग्री सेल्सियस पर आपका जो भी हम हीट आपकी सप्लाई करते हैं आयरन को, वो आयरन को सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर देती है, तो इसीलिए इस टेम्परेचर को हम आयरन का क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम आपका? मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं आपका। तो आपको बोला जाएगा किसी भी सॉलिड सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? किसी भी सॉलिड सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर वो सब सॉलिड सब्सटेंस आपका मेल्ट करके लिक्विड शेप में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। क्योंकि आयरन के केस में आयरन आपका 1535 डिग्री सेल्सियस पर जब आपका पहुंच जाता है और जब हम आपका आयरन को हीट करते हैं इस टेम्परेचर पर, तो इस टेम्परेचर पर आयरन क्योंकि अपनी सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, यानी कि आयरन आपका मेल्ट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी सॉलिड स्टेट आपकी लिक्विड स्टेट में आपकी कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है। इसीलिए इस 1535 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को हम आपका क्या कहते हैं? आयरन का मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या हुई? मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन हुई किसी भी सॉलिड सब्सटेंस का वो टेम्परेचर जिस पर वो सॉलिड सब्सटेंस आपका मेल्ट करके सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में आपका कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम आपका उस पर्टिकुलर सॉलिड सब्सटेंस का क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो अब हमने आपका मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन तो हमने आपकी समझ ली। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि जब मैं आयरन को 1535 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर जब मैं इसे हीट करूंगी, यानी कि जब मेरा आयरन का टेम्परेचर बढ़ करके 1535 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग तो आयरन की कौन से टेम्परेचर से हुई थी? 30 डिग्री सेल्सियस से हुई थी। जब हमने हीट किया आयरन को तो बढ़ते 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 उसका टेम्परेचर क्या हो गया? 1535 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, और यहां पर आकर के टेम्परेचर क्या हो गया? अटक गया। अटक गया मतलब अब टेम्परेचर क्या हो गया? फिक्स्ड हो गया। अब आपका टेम्परेचर चेंज हो ही नहीं रहा। आप तो हीट सप्लाई कर रहे हो आयरन को, लेकिन आपका आयरन का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। उसकी जगह पर आयरन अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज करने लग जाएगा, यानी कि वो अपनी फिजिकल स्टेट को सॉलिड से आपका लिक्विड में आपका कन्वर्ट करने लग जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जब आयरन का टेम्परेचर 1535 डिग्री सेल्सियस पे आपका पहुंचेगा, तो जो भी हीट आप आयरन को सप्लाई करोगे इस टेम्परेचर के ऊपर, वो सारी की सारी हीट आपकी कंज्यूम हो जाएगी उस आयरन को सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए, जिसकी वजह से वो हीट आपका आयरन के टेम्परेचर को बढ़ा नहीं पाएगी और आयरन का टेम्परेचर आपका क्या होगा? कॉन्स्टेंट रहेगा, यानी कि फिक्स्ड रहेगा। अब क्वेश्चन ये है कि आयरन का टेम्परेचर कब तक आपका कॉन्स्टेंट रहेगा, यानी कि कब तक वो आपका फिक्स रहेगा 1535 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये आपका टेम्परेचर तब तक फिक्स रहेगा 1535 डिग्री सेल्सियस पर जब तक सारा का सारा आयरन जो कि सॉलिड स्टेट में है वो आपका मेल्ट करके लिक्विड स्टेट में आपका कन्वर्ट नहीं हो जाता। इसका मतलब जो भी हीट हम आपकी आयरन को सप्लाई करेंगे 1535 डिग्री सेल्सियस पर, वो सारी की सारी हीट आपकी आयरन को सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने में यूटिलाइज हो जाएगी, और तब तक वो हीट
आपकी सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करती रहेगी जब तक कि सारा का सारा सॉलिड आपका मेल्ट करके लिक्विड स्टेट में आपका कन्वर्ट नहीं हो जाता। जब आपका सारा का सारा सॉलिड आपका मेल्ट होकर के लिक्विड स्टेट में आपका कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद जब आप और ज्यादा हीट सप्लाई करोगे आप आयरन को, तो फिर आपका टेम्परेचर जो होगा लिक्विड आयरन का वो आपका 1535 डिग्री सेल्सियस से आपका बढ़ जाएगा। आपका तो हमारा जो टेम्परेचर था आयरन का 1535 डिग्री सेल्सियस का, वो मेरा कब तक नहीं बढ़ा जब तक कि सारी की सारी हीट आपकी आयरन को, जो कि आपका 1535 डिग्री सेल्सियस पर है, वो सारी की सारी हीट आपकी जब तक आयरन को आपका मेल्ट करके लिक्विड के अंदर आपका कन्वर्ट नहीं कर देती। तो जब तक सारा का सारा सॉलिड आयरन आपका लिक्विड आयरन के अंदर कन्वर्ट नहीं हो जाता 1535 डिग्री सेल्सियस पर, तब तक आपका जो भी हीट आप सप्लाई करोगे आप सॉलिड आयरन को, वो आपका आयरन के टेम्परेचर को आपका नहीं बढ़ाएगी। ठीक है, तो आयरन का टेम्परेचर अब आपका तभी बढ़ेगा जब सारा का सारा सॉलिड आयरन आपका मेल्ट करके लिक्विड आयरन में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब सारा का सारा सॉलिड आयरन आपका आपका लिक्विड आयरन के अंदर आपका कन्वर्ट हो जाएगा, अब जब आप और ज्यादा हीट आप सप्लाई करोगे तो वो आपका इस लिक्विड आयरन का टेम्परेचर 1535 डिग्री सेल्सियस से और ज्यादा आपका बढ़ा पाएगा आपका। ठीक है, तो हमने आपका ये देखा आपका कि जब हम किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को हीट करते हैं तो दो इफेक्ट आपके नजर आ सकते हैं, लेकिन उन दोनों में से एट अ टाइम आपका सिर्फ एक ही इफेक्ट आपको नजर आएगा। तो वो दो इफेक्ट आपके क्या हो सकते हैं? वो हो सकते हैं या तो सॉलिड सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है, और अगर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा तो वो सॉलिड सब्सटेंस क्या होगा, मेल्ट करने लग जाएगा आपका, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब मेरा आयरन 30 डिग्री सेल्सियस पर था और मैं इसको हीट कर रही थी तो उस हीट का इफेक्ट क्या नजर आ रहा था, उस हीट का इफेक्ट ये नजर आ रहा था कि आयरन का टेम्परेचर लगातार आपका बढ़ता जा रहा था। लेकिन जैसे ही आयरन 1535 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा उस हीट का इफेक्ट आना नजर बंद हो गया, क्योंकि आप तो हीट कर रहे हो आयरन को लेकिन आयरन का टेम्परेचर आपका नहीं बढ़ रहा। ठीक है, अब उस हीट का इफेक्ट आपका क्या नजर आएगा, उस हीट का इफेक्ट ये नजर आएगा कि वो हीट जो है आपकी इस आयरन के टुकड़े को आपका सॉलिड स्टेट से आपका कन्वर्ट करना शुरू कर देगी, किसमें, लिक्विड स्टेट में आपका कन्वर्ट करने लग जाएगी। तो जब तक सारी की सारी हीट आपकी पूरे आयरन के सॉलिड टुकड़े को आपका लिक्विड के अंदर कन्वर्ट नहीं कर देती, तब तक आपका जो हीट आपकी वो आयरन के टेम्परेचर को 1535 डिग्री सेल्सियस से और ज्यादा बढ़ा नहीं सकती। तो जब मेरा सारा का सारा आयरन जो कि सॉलिड स्टेट में था वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद अब जब मैं आपका और हीट आपका सप्लाई करूंगी तो वो मेरे लिक्विड आयरन के टेम्परेचर को 1535 डिग्री सेल्सियस से क्या होगी, बढ़ाती जाएगी आपकी। ठीक है, तो हमने आपका ये देखा जब मैं हीट कर रही थी सॉलिड सब्सटेंस को, जब मेरे टेम्परेचर में चेंज हो रहा था सॉलिड सब्सटेंस के, यानी कि जब मेरा सॉलिड सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था तब वो मेल्ट नहीं हो रहा था, और जब वो मेल्ट हो रहा है तो उस पॉइंट पर मेरे सॉलिड सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, यानी कि इंक्रीज नहीं हो रहा आपका, है ना। तो इसका मतलब इन दोनों इफेक्ट में से कोई एक इफेक्ट आपका नजर आएगा जब भी आप सॉलिड सब्सटेंस को क्या करोगे, हीट करोगे। ठीक है, तो अब आपका एक क्वेश्चन आता है, वो क्या आता है आपका क्वेश्चन, ये आता है कि मेल्टिंग के प्रोसेस के दौरान हमेशा टेम्परेचर फिक्स क्यों रहता है, कांस्टेंट क्यों रहता है आपका, ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो आप लिखोगे दो मेल्टिंग की प्रोसेस के दौरान हम सॉलिड सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड कर रहे होते हैं लेकिन फिर भी उस सॉलिड सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता, यानी कि उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता। ऐसा क्यों होता है कि उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो सारी की सारी हीट जो भी आप सॉलिड सब्सटेंस को सप्लाई कर रहे हो वो सारी की सारी हीट उस सॉलिड सब्सटेंस को मेल्ट करके लिक्विड शेट में कन्वर्ट करने में क्या हो रही है, यूटिलाइज हो रही है। तो इस वजह से वो हीट आपकी उस सॉलिड सब्सटेंस के टेम्परेचर को बढ़ा नहीं पा रही है, इस वजह से सॉलिड सब्सटेंस का टेम्परेचर आपका मेल्टिंग की प्रोसेस के दौरान आपका क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता, यानी कि वो आपका इंक्रीज नहीं होता है।
और इसे आप और अच्छे से अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हो तो वो आप कैसे कर सकते हो? वो आप ऐसे कर सकते हो, अगर आप मेल्टिंग की प्रोसेस को देखो आप, तो मेल्टिंग की प्रोसेस के अंदर सॉलिड स्टेट आपकी किसमें कन्वर्ट हो रही है? लिक्विड की स्टेट के अंदर आपकी कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। और हमें पता है सॉलिड स्टेट के अंदर पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन क्या होता है? ज्यादा होता है, हाई होता है। और लिक्विड स्टेट के अंदर पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन क्या होता है? कम होता है आपका, है ना। और अगर कोई आपका सब्सटेंस सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जा रहा है तो इसका मतलब वो अपने पार्टिकल्स के अट्रैक्शन को क्या कर रहा है? कम कर रहा है, क्योंकि सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है और लिक्विड स्टेट में पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन क्या है? कम है। तो अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जाएगा तो फॉर श्योर उसे अपने पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, तभी वो आपका सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में आपका जा सकता है। तो हम आपका इसको ऐसे भी आपका बोल सकते हैं, यानी इस क्वेश्चन को, कि मेल्टिंग के प्रोसेस के दौरान आपका किसी भी सॉलिड सब्सटेंस का टेम्परेचर आपका कांस्टेंट यानी कि फिक्स्ड क्यों रहता है? इसका आंसर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि मेल्टिंग की प्रोसेस के दौरान हम जो भी हीट आपकी सॉलिड सब्सटेंस को सप्लाई करते हैं वो सारी की सारी हीट आपकी सॉलिड सब्सटेंस के पार्टिकल्स के अट्रैक्शन को कम करके लिक्विड शेप में कन्वर्ट करने के लिए क्या होती है? यूटिलाइज हो जाती है। इस वजह से वो हीट आपकी सॉलिड सब्सटेंस के टेम्परेचर को नहीं बढ़ा पाती, ठीक है। और इस वजह से मेल्टिंग की प्रोसेस के दौरान आपका जो सॉलिड सब्सटेंस होता है उसका टेम्परेचर आपका नहीं बढ़ता आपका, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन ये आता है कि कब तक मेल्टिंग की प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, यानी कि कांस्टेंट रहेगा। तो आंसर सीधा सा है आपका, जब तक मेल्टिंग की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती, है ना, यानी कि जब तक सारा का सारा सॉलिड लिक्विड में आपका कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक हीट करने पर आपका टेम्परेचर जो है वो आपका नहीं बढ़ेगा आपका। लेकिन जैसे ही आपका सारा का सारा सॉलिड आपका मेल्ट होके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद जब आप इसको हीट करोगे तो आपका लिक्विड का टेम्परेचर आपका क्या होगा? आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा आपका, ठीक है। तो हमने आपका ये देखा कि जब हमने आपका आयरन को, जो कि आपका इनिशियली 30 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे था, जब मैंने उसे हीट करना शुरू किया तो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ता गया और जैसे ही वो 1535 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे आया तो अब जो हमने आपकी हीट सप्लाई की वो आपकी उस आयरन को सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने में क्या हो गई? यूटिलाइज होने लग गई, जिसकी वजह से अब आपका टेम्परेचर आयरन का क्या हो गया? फिक्स हो गया। किस टेम्परेचर पर? 1535 डिग्री सेल्सियस पर आपका फिक्स हो गया, है ना। और आपका टेम्परेचर और नहीं बढ़ पा रहा है आपका आयरन का, क्योंकि जो भी हीट आप आयरन को इस टेम्परेचर पर सप्लाई कर रहे हो वो सारी की सारी हीट आपकी आयरन को सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने में क्या हो रही है? यूटिलाइज होती जा रही है। और वो आपकी आयरन के टेम्परेचर को 1535 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करने में यूटिलाइज नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपकी कब तक चलती रहेगी? जब तक सारा का सारा सॉलिड आपका लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता। जैसे ही सारा का सारा आयरन आपका सॉलिड स्टेट से मेल्ट होके लिक्विड स्टेट में आपका कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद जब आप और हीट आप सप्लाई करोगे आप, तो उसका इफेक्ट आपका क्या नजर आएगा? उसका इफेक्ट ये नजर आएगा कि जो लिक्विड आपका 1535 डिग्री सेल्सियस पे आपका प्रोड्यूस हुआ था सॉलिड के मेल्ट होने से, अब उसका टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ना शुरू हो जाएगा आपका, ठीक है। और आपका बढ़ता जाएगा आपका, जैसे जैसे आप उस लिक्विड को आप हीट करते जाओगे, ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन जो आपका एक और आता है इसके अंदर, वो आपका ये आता है कि मेल्टिंग पॉइंट आपका क्या होता है, ठीक है, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपकी क्या होती है। तो अब हमें आपका दो क्वेश्चन और डिस्कस करने हैं। पहला, किसी भी सॉलिड सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, और दूसरा, किसी भी सब्सटेंस की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है। ये अब हमें आपका डिस्कस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपका डिस्कस करेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। तो चाहे मैं मेल्टिंग पॉइंट डिस्कस करूं, चाहे मैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन डिस्कस करूं, सबसे पहले जो हमें एक चीज डिस्कस करनी होगी वो करनी होगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका क्या होता है, ये हमें आपका डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है।
एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है कि वो आपका क्या होगा, एटमॉस्फेयर का प्रेशर होगा, है ना। और एटमॉस्फेयर में क्या है, आपकी गैसेस हैं आपकी, तो जरूर उन गैसेस का ही प्रेशर होगा, जिसको हम क्या कह रहे होंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह रहे होंगे आपका, ठीक है। तो इन फैक्ट आपका होता क्या है, आपका हमारे एनवायरनमेंट के अंदर चाहे आपका कोई भी चीज हो, ठीक है, चाहे टेबल हो, चेयर हो, कोई भी चीज जो हमारे सराउंडिंग्स में प्रेजेंट है, चाहे हम खुद ही क्यों ना हो, हम सब के ऊपर आपका एटमॉस्फेयर के अंदर जो आपकी गैसेस प्रेजेंट है, वो गैसेस आपका हम सब के ऊपर क्या एग्जर्ट कर रही है, एक प्रेशर एग्जर्ट कर रही है, ठीक है, जिसे हम आपका क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। और गैसेस ये प्रेशर हम सबके ऊपर क्यों एग्जर्ट कर पा रही है आपका, वो इसलिए एग्जर्ट कर पा रही है क्योंकि गैस के पार्टिकल्स की स्पीड क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो वो आपका किसी भी चीज से आपका बड़ा फोर्सफुली आपका क्या कर सकते हैं, कोलाइड कर सकते हैं, यानी कि टकरा सकते हैं। तो क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में बड़ी सारी गैसेस प्रेजेंट है, तो उनके गैस के पार्टिकल्स भी आपके प्रेजेंट होंगे, है ना। और वो गैस के पार्टिकल्स की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। तो जब वो हमारे आसपास रखी हुई चीजों से या फिर हमसे जब वो गैस के पार्टिकल्स आपके टकराएंगे, यानी कि कोलाइड करेंगे, तो वो आपका एक फोर्स एग्जर्ट करेंगे हमारे आसपास की चीजों के ऊपर भी और हमारे ऊपर भी। और उस फोर्स की वजह से जो हमारे आसपास की चीजें हैं या चाहे हम भी हैं आपका, वो एक प्रेशर एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है। उस प्रेशर को हम आपका क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं आपका, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया एटमॉस्फेयर में जो आपकी गैसेस प्रेजेंट हैं, वो गैस के पार्टिकल्स आपके जब हमारे आसपास के सराउंडिंग्स की चीजों से आपका टकराते हैं, तो वो उसके ऊपर आपका एक प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, जिसको हम आपका क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं आपका, ठीक है। तो अब हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अच्छे से पढ़ लिया, अब हम आपका पढ़ेंगे मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है। सबसे पहले अब हम आपका मेल्टिंग पॉइंट डिफाइन करेंगे। मेल्टिंग पॉइंट आपका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट आपका किसी भी सॉलिड सब्सटेंस का वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर वो सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट करके लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है आपका, किसकी प्रेजेंस में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की प्रेजेंस में। तो अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब आपका कोई भी सॉलिड सब्सटेंस आपका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मेल्ट करके लिक्विड शेप में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है, तो उस टेम्परेचर को उस सॉलिड सब्सटेंस का क्या कहा जाता है, मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है आपका, ठीक है। सो दैट मींस मेल्टिंग पॉइंट की क्या डेफिनेशन होगी, मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन होगी द टेम्परेचर एट विच अ पर्टिकुलर सॉलिड सब्सटेंस starts converting into the liquid state under atmospheric pressure is known as melting point of that substance, ठीक है। So melting point आपका किसी भी solid substance का वो temperature होता है जिस पर वो solid substance melt करके liquid state में convert करना शुरू कर देता है आपका atmospheric pressure की presence में, यानी कि under atmospheric pressure, ठीक है। तो उसे हम आपका बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। अब हम आपका आएंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पर, ठीक है। तो अब हम आपका आएंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पर। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए लेटेंट वर्ड का मतलब क्या होता है। लेटेंट वर्ड का मतलब होता है हिडन, हिडन मतलब छुपा हुआ। और फ्यूजन मतलब का क्या होता है, फ्यूजन वर्ड का मतलब क्या होता है, फ्यूजन वर्ड का मतलब होता है मेल्टिंग। तो मेल्टिंग को हम आपका फ्यूजन भी बोलते हैं और हिडन को हम आपका लेटेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो लेटेंट का मतलब होता है हिडन और फ्यूजन का मतलब होता है आपका मेल्टिंग। अब हम आपका पढ़ेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो अगर इस लेटेंट और फ्यूजन वाले मीनिंग को अगर मैं इसके अंदर इंक्लूड कर दूं, तो मेरा क्या मतलब बनेगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का, मेरा मतलब बनेगा वो हिडन हीट जो आपकी मेल्टिंग की प्रोसेस के दौरान आपका सप्लाई की जाती है,
उस हिडन हीट को हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे, क्योंकि लेटेंट का मतलब होता है हिडन और फ्यूजन का मतलब होता है आपका मेल्टिंग। अब क्वेश्चन ये आ रहा है आपका कि मेल्टिंग के प्रोसेस के दौरान जो मैं हीट सप्लाई कर रही हूँ उस हीट को मैं हिडन हीट आपका क्यों बोल रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हिडन वर्ड का मतलब क्या है आपका, हिडन वर्ड का मतलब है आपका छुपा हुआ। तो अगर मैं ये लेटेंट के साथ हीट वर्ड यूज कर रही हूँ और लेटेंट का मतलब हिडन होता है यानी कि छुपा हुआ आपका होता है, तो इसका मतलब ये हीट भी आपकी कौन सी हुई, छुपी हुई हीट हुई, है ना। तो इसका मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या हुआ, फ्यूजन यानी कि मेल्टिंग की प्रोसेस के दौरान। लेटेंट हीट का मतलब हो गया जो हिडन हीट आपकी दी जाती है, यानी कि जो छुपी हुई हीट आप फ्यूजन यानी कि मेल्टिंग की प्रोसेस के दौरान आप किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को देते हो उसे हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं, है ना। क्योंकि लेटेंट का मतलब होता है हिडन यानी कि छुपा हुआ और फ्यूजन का मतलब होता है मेल्टिंग। तो इसका मतलब मेल्टिंग की प्रोसेस के दौरान जो भी हम छुपी हुई हीट आपकी सॉलिड सब्सटेंस को देते हैं उसे हम आपका क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि मेल्टिंग की प्रोसेस के दौरान जो हम हीट दे रहे हैं सॉलिड सब्सटेंस को उसे हम छुपी हुई हीट क्यों बोलते हैं, यानी कि उसे हम हिडन हीट या फिर लेटेंट हीट उसे हम क्यों बोलते हैं। तो हम इसलिए बोलते हैं बेटा क्योंकि नॉर्मली अगर आप किसी सब्सटेंस को हीट करते हो तो उस सब्सटेंस की हीटिंग को आप कैसे ऑब्जर्व करते हो, जब उस सब्सटेंस के टेम्परेचर में चेंज आ जाता है तभी आप बोलते हो ना कि वो सब्सटेंस क्या हो रहा है, हीटेड अप हो रहा है, क्योंकि उसके टेम्परेचर में चेंज आ रहा है यानी कि उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। लेकिन अगर आप किसी सब्सटेंस को हीट कर रहे हो और उस सब्सटेंस का टेम्परेचर ही चेंज ना हो रहा हो तो हम कहेंगे ऐसी हीट आपकी क्या हो गई है, छुपी हुई हो गई है, क्योंकि उसका इफेक्ट आपको नजर नहीं आ रहा। क्योंकि हीटिंग का इफेक्ट क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ जाता है आपका, है ना, ये इफेक्ट होता है आपका हीटिंग का, और सब्सटेंस का टेम्परेचर आपका बढ़ नहीं रहा तो इसका मतलब वो हीट आपकी क्या हो गई, छुपी हुई हीट हो गई आपकी, हिडन हीट हो गई आपकी, ठीक है। तो क्योंकि मेल्टिंग की प्रोसेस के दौरान आपका जो भी हीट आप सप्लाई करते हो सॉलिड सब्सटेंस को वो सॉलिड सब्सटेंस के टेम्परेचर में चेंज नहीं करती है, इसीलिए मेल्टिंग की प्रोसेस के दौरान जो भी हीट हम सॉलिड सब्सटेंस को सप्लाई करते हैं वो हम आपका उसे हम आपका क्या बोलते हैं, उसे हम आपका बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी कि वो हिडन हीट जो हम मेल्टिंग की प्रोसेस के दौरान आपका सप्लाई कर रहे हैं, किसको, सॉलिड सब्सटेंस को आपका सप्लाई कर रहे हैं। और वो हिडन हीट क्यों है, क्योंकि वो हीट आपका सॉलिड सब्सटेंस के टेम्परेचर को चेंज नहीं कर रही है, यानी कि उसके टेम्परेचर को फिक्स कर दिया है उसने, क्या, जो कि उस सब्सटेंस का क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है। जैसे आयरन के केस में टेम्परेचर क्या हो गया था, फिक्स हो गया था 1535 डिग्री सेल्सियस पर ही, जो कि आयरन का क्या था, मेल्टिंग पॉइंट था आपका, यही मैंने आपका बताया था ना 1535 डिग्री सेल्सियस आयरन का क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है। तो जैसे जैसे हम आपका आयरन को हीट करते जाएंगे और जब वो आपका अपने मेल्टिंग पॉइंट यानी कि 1535 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा तो अब उसका टेम्परेचर क्या होगा, रुक जाएगा। आप जो भी हीट सप्लाई करोगे सॉलिड आयरन को वो आपकी सॉलिड आयरन को लिक्विड आयरन में कन्वर्ट करने में यूटिलाइज हो जाएगी और टेम्परेचर आपका क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, यानी कि 1535 डिग्री सेल्सियस ही आपका रहेगा, जो कि मेल्टिंग पॉइंट है आपका आयरन का, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो छुपी हुई हीट आपने आयरन को इस सिचुएशन में आपने सप्लाई की कि आपका आयरन जो है वो आपका सॉलिड स्टेट से मेल्ट होकर लिक्विड स्टेट में आपका कन्वर्ट हो जाए आपका, तो उस छुपी हुई हीट यानी कि उस हिडन हीट और यानी कि उस लेटेंट हीट को हम आपका क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे, क्योंकि वो मेल्टिंग की प्रोसेस के दौरान आपका आयरन को क्या की जा रही है, सप्लाई की जा रही है आपकी, ठीक है। तो हम आपका ये कह सकते हैं कि जब भी हम किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को उसके मेल्टिंग पॉइंट पर यानी कि जिस टेम्परेचर पर वो मेल्ट हो सकता है, मेल्टिंग पॉइंट पर जब हम आपका किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को हीट सप्लाई करते हैं तो वो हीट आपकी छुपी हुई रहती है यानी कि हिडन रहती है। क्यों हिडन रहती है, क्योंकि वो उस सॉलिड सब्सटेंस के टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करती है और वो उस सॉलिड सब्सटेंस को मेल्ट करने में क्या होती है, यूटिलाइज हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए उस हीट को हम आपका क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। तो अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन क्या होगी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन होगी
आपकी जो भी हीट आप सॉलिड सब्सटेंस को सप्लाई करते हो उसके मेल्टिंग पॉइंट पर, ताकि वो मेल्ट होके लिक्विड में कन्वर्ट हो सके, ठीक है। यानी कि मेल्टिंग की प्रोसेस के दौरान आप जो भी सॉलिड सब्सटेंस को हीट सप्लाई करते हो उसे हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। लेकिन ये बहुत ही क्रूड डेफिनेशन है आपकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की। अब एग्जैक्ट डेफिनेशन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की क्या है, एग्जैक्ट डेफिनेशन जो आपकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की है उसमें आपकी दो तीन कंडीशंस हैं, और वो दो तीन कंडीशंस क्या हैं वो हम आपका देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपकी मेल्टिंग के प्रोसेस के लिए डिफाइन है, तो इस प्रोसेस के अंदर आपका सॉलिड सब्सटेंस किसमें कन्वर्ट हो रहा होगा, आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होगा, है ना। तो आपका जिस टेम्परेचर पर सॉलिड सब्सटेंस आपका लिक्विड में कन्वर्ट होता है उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो इसका मतलब इस मेल्टिंग की प्रोसेस के अंदर सॉलिड सब्सटेंस का जो टेम्परेचर होगा वो आपका कौन सा होगा, मेल्टिंग पॉइंट वाला टेम्परेचर होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के अंदर आपका जो सॉलिड सब्सटेंस होना चाहिए वो आपका अपने मेल्टिंग पॉइंट पर होना चाहिए, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो ये आ गई कि जो सॉलिड सब्सटेंस है वो अपने किस पे होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट पर आपका होना चाहिए। अब दूसरी कंडीशन आपकी क्या होती है, दूसरी कंडीशन होती है आपकी इस सॉलिड सब्सटेंस के वेट की कंडीशन होती है। इस सॉलिड सब्सटेंस का जो वेट लिया जाता है वो आपका 1 किलोग्राम लिया जाता है। तो सेकंड कंडीशन में हम सॉलिड सब्सटेंस का वेट लेते हैं जो कि होता है आपका 1 किलोग्राम, ठीक है। अब आपकी आती है थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन आपकी क्या होती है कि ये जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, यानी कि जो आपका फ्यूजन यानी कि जो मेल्टिंग की प्रोसेस है, ये आप कौन सी कंडीशंस में आप कंसीडर कर रहे हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कंडीशंस में कंसीडर कर रहे हो। यानी कि जब आप सॉलिड सब्सटेंस को हीट करके लिक्विड में कन्वर्ट करा रहे हो यानी कि उसे मेल्ट करा रहे हो, तो हमेशा उसे आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कंडीशंस में कंसीडर करोगे। तो थर्ड कंडीशन आपकी क्या हो गई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कंडीशन हो गई, कि आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कंडीशन के अंदर आप सॉलिड सब्सटेंस को क्या करा रहे हो, मेल्ट करा रहे हो, ठीक है। तो अब हम आपका डेफिनेशन पर आते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इसकी क्या डेफिनेशन होगी। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन होगी जो भी हीट हम आपका 1 किलोग्राम सॉलिड को उसके मेल्टिंग पॉइंट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की प्रेजेंस में सप्लाई करते हैं उसे हम आपका कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, एग्जैक्ट डेफिनेशन आपकी हो जाएगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की। तो एक बार और मैं डिफाइन कर देती हूं अब आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन को। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपकी क्या होती है, जो भी हीट हम आपका 1 किलोग्राम सॉलिड को सप्लाई करते हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कंडीशंस के अंदर आपका उसे हम आपका क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। तो इंग्लिश में अब आपकी इस डेफिनेशन को हम कैसे बोलेंगे, हम आपका बोलेंगे द अमाउंट ऑफ द हीट सप्लाइड टू 1 किलोग्राम ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। तो ये हमारी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन हो गई। सो विद दिस मेरा ये वाला वीडियो आपका खत्म होता है। तो इस वीडियो के अंदर हमने क्या क्या क्वेश्चंस डिस्कस किए, इस वीडियो के अंदर पहला क्वेश्चन तो हमने ये डिस्कस किया कि मेल्टिंग की प्रोसेस के दौरान किसी भी सॉलिड सब्सटेंस का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट यानी कि फिक्स्ड क्यों हो जाता है, और उस टेम्परेचर को हम आपका क्या बोलते हैं, उस टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं आपका उस सब्सटेंस का, और वो टेम्परेचर आपका फिक्स्ड क्यों हो जाता है, वो कॉन्स्टेंट क्यों हो जाता है, ये हमने आपका पढ़ा, ठीक है। फिर हमने आपका ये पढ़ा कि मेल्टिंग पॉइंट किसी भी सॉलिड सब्सटेंस का क्या होता है, और उसके बाद फाइनली हमने आपका पढ़ा कि किसी भी सॉलिड सब्सटेंस के लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपकी क्या होती है, ये हमने आपकी पढ़ी। इन द मीनवाइल हमने ये भी पढ़ा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका क्या होता है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन में आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला वर्ड आपका यूज हो रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये आपका क्या होता है, ठीक है। तो हमने आपका देखा, एक बार मैं आपको समराइज कर देती हूँ सारी चीज, ठीक है।
तो हमने आयरन का एक टुकड़ा लिया, उसे हीट करना शुरू किया, उसका टेम्परेचर था 30 डिग्री सेल्सियस। जैसे जैसे हम उसे हीट करते गए उसका टेम्परेचर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और अल्टीमेटली 1535 डिग्री सेल्सियस पर फिक्स हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया, अब वो नहीं बढ़ रहा था। तो जो भी हीट हम आपका इस टेम्परेचर पर सप्लाई करते हैं वो आपका इस टेम्परेचर को चेंज नहीं करती है। तो ये टेम्परेचर आपका क्या कहलाता है, आपका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है आयरन का, क्योंकि इस टेम्परेचर पर जो भी हीट आप आयरन को सप्लाई करते हो वो आयरन को सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने में यूटिलाइज हो जाती है। तो इसका मतलब 1535 डिग्री सेल्सियस आपका आयरन का क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा आपका, ठीक है। और क्यों आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है आपका इस प्रोसेस के दौरान, यानी कि फिक्स रहता है, उसका रीजन हमने डिस्कस किया, क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान जो भी हीट आप सप्लाई करते हो वो सारी की सारी आयरन की फिजिकल स्टेट को चेंज करने में यूज हो जाती है आपकी, यानी कि उसे सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने में यूटिलाइज हो जाती है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वो सारी की सारी हीट आपके पार्टिकल्स के अट्रैक्शन को कम करने में यूटिलाइज हो जाती है। तो इसीलिए वो आयरन के सॉलिड टुकड़े को आपका, उसके टेम्परेचर को आपका नहीं बढ़ा पाती, ठीक है। तो जब तक आपका सारा का सारा आयरन जो कि सॉलिड फॉर्म में था लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक जो भी हीट आप सप्लाई करोगे इस सॉलिड सब्सटेंस को वो आपकी मेल्टिंग में की प्रोसेस के अंदर कंज्यूम हो जाएगी और आयरन के टेम्परेचर को 1535 डिग्री सेल्सियस से आगे नहीं बढ़ाएगी। एक बार जब सारा का सारा आयरन मेल्ट होके लिक्विड में आ जाएगा, अब उसका टेम्परेचर 1535 डिग्री सेल्सियस है, अब अगर आप इसको हीट करोगे तो आगे फर्दर अब इसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो हमने आपका देखा जब हम किसी सॉलिड सब्सटेंस को हीट करते हैं तो या तो उसके टेम्परेचर में इंक्रीमेंट आता है या फिर वो मेल्ट होता है। अगर वो मेल्ट हो रहा होगा तो उसके टेम्परेचर में इंक्रीमेंट नजर नहीं आएगा, और अगर वो अगर उसके टेम्परेचर में इंक्रीमेंट नजर आ रहा होगा तो वो मेल्ट नहीं होगा आपका, ठीक है। तो 1535 डिग्री सेल्सियस के बाद जो लिक्विड आयरन होता है उसको जब हम हीट करते हैं तो उसके टेम्परेचर में इंक्रीमेंट ऑब्जर्व होता है। तो इसका मतलब वो आपका अपनी फिजिकल स्टेट को अब आपका चेंज नहीं करेगा, क्योंकि उसके टेम्परेचर में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो या तो जो भी हीट आप सप्लाई करते हो वो सब्सटेंस के फिजिकल स्टेट को चेंज कर देती है या फिर वो सब्सटेंस के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती है, ठीक है। तो ये हमने आपका पढ़ा इसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मेल्टिंग पॉइंट और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसी डेफिनेशंस आपकी पढ़ी है, ठीक है। सो विद दिस आपका ये वाला सारा वीडियो मेरा आपका खत्म होता है यहीं पर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपका मेल्टिंग ऑफ आइस लूंगी, तो वो वीडियो देखने से पहले ये वीडियो आपका देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी को ही आगे मैं एक्सटेंड करके मेल्टिंग ऑफ आइस से आपका रिलेट करूंगी, ठीक है।